नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं लेके आया हूं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और दोनों के क्या क्या फार्मूला होते हैं, किस तरह से इफेक्टिव है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पावर है, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना पावर है, क्या है नहीं है, पूरा डिटेल में देखेंगे और एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है नहीं है सब कुछ डिटेल। मैं पहले बताने जा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हम लोग समझते हैं और इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि इंटरेस्ट होता है क्या। चलिए मान लीजिए कि एक बैंक है। ठीक है, बैंक का क्या काम होता है, हम लोग को लोन देता है, किसी को क्या होता है नहीं होता। ठीक है, और एक बैंक है और एक सिंपल आदमी है। ठीक है, इसको मान लीजिए एक बोरोवर है और एक जो है लेंडर है। ठीक है, तो इस आदमी को क्या चाहिए, इस आदमी को जो है बैंक से कुछ लोन चाहिए, कुछ अमाउंट में लोन चाहिए, इसको कुछ लोन चाहिए। लोन के लिए ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, इसको मनी देगा। बैंक इसको क्या देगा, बैंक जो है इस आदमी को मनी देगा। ठीक है, इसको क्या देगा, पैसा देगा, बैंक की तरफ से मिल जाएगा उसको पैसा। ठीक है, तो उस के बाद क्या होगा, जब ये बैंक जो है इस आदमी को जो है मनी दे रहा है, तो ये आदमी क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके बदले में उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, ये क्या देगा, ये जो है इसको रिटर्न करेगा, मनी तो रिटर्न करेगा, जितना इसको दिया बैंक वो तो रिटर्न करेगा, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो है बैंक को वापस करेगा, जिसको कि हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जितना मनी था वो तो बैंक की तरफ से इसको मिला, और वो जितना अमाउंट वो लिया उस अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, ज्यादा अमाउंट बैंक को रिटर्न करता है, वो जो है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट जो है सिंपली टू टाइप के होते हैं, जिसको कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सेकंड टाइप का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल और कंपाउंड, टू इन टाइप का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या और कंपाउंड, नाम से ही है सिंपल, ये सिंपल क्या होता है, सिंपल है, आरामदायक है। कंपाउंड है, कंपाउंड होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इस तरह का आएगा तो वो जो है कंपाउंड। दोनों को हम देखेंगे एक एक करके, एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूं कंपाउंड क्या है, सिंपल क्या है। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, जहाँ के पी जितना हो गया आपका जो अमाउंट, जो अमाउंट आप लोन लिए हो वो अमाउंट हो जाता है पी, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम हो, टी से हो जाता है टाइम, कितने टाइम के लिए आप लिए हो। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। मैं एग्जाम्पल लेता, मान लीजिए कि पी जो है कुछ अमाउंट जो है, कुछ अमाउंट जो है वो लोन में लिया। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% के हिसाब से लिया है, 9%, और उसका टाइम कितना है, 2 ईयर, 2 ईयर के लिए जो है इतना रुपया जो है वो बैंक से लिया है सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। ठीक है, तो जब ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट में ये लिया है, तो 2 ईयर के बाद जो है इसको कितना अमाउंट जो है बैंक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे पी आर टी, तो पी में हो गया आपका जो कितना अमाउंट लिए है वो अमाउंट इंटू आर, 9% हो गया तो 9/100 हो गया, और टाइम कितना है 2 ईयर। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 18,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है हम लोग को अपने जितना इस अमाउंट के साथ जो है इतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है हम लोग को वापस करना पड़ेगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, इतना अमाउंट जो है उसको सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ेगा, अभी टोटल अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट जो पी जो कि लिया था प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो इतना निकाला था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये प्लस ये, तो टोटल अमाउंट हो गया इतना अमाउंट आपको जो है वापस करना है बैंक को। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है वही होता है इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में देखें आराम से देखें इसको जो है 1180 इतना रुपया पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर था। ठीक है, इसी के ऊपर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपका जो है टू और मोर एलिमेंट, जब भी आपका जो है इंटरेस्ट जो है टू नंबर में इंटरेस्ट हो, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो होता कंपाउंड। ठीक है, उसमें आपको कंडीशन है टू और मोर एलिमेंट्स होना चाहिए और प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से ज्यादा होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि सेम अमाउंट मैं ले रहा हूँ अभी, पी जो है इतना अमाउंट, मान लीजिए कि ये अमाउंट जो है बैंक से लोन लिया है और वो जो है 9% के हिसाब से लिया है और कितना टाइम 2 ईयर के ईयर लिया है और इसका जो है कंपाउंड, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये टोटल अमाउंट, ये मतलब हो गया टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना वो रिटर्न किया, पी हो गया कि कितना अमाउंट वो लिया है, ठीक है, 1+R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और एन इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर कितना बार में इंटरेस्ट करेगा, एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट, कितना बार इंटरेस्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे ईयरली है, 2 ईयर के लिए है तो ओनली 1 टाइम जो है वो ऐड होगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। और टी हो गया कितने टाइम के लिए 2, ठीक है, तो टी जो होगा यहाँ पे कितना टाइम के लिए लिया है 2 के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ए जो है ए कितना हो गया, ए निकालने के लिए पी कितना हो गया, पी जो है ये अमाउंट लिख दिए हम लोग, ये अमाउंट लिख दिए यहाँ, ओके। तो ये अमाउंट हम लोग लिख रहे हैं, कितना अमाउंट लिखे, ये अमाउंट कितना था, ये अमाउंट हमने पूरा लिख लिया, ठीक है, और जो है 1 है 1 हो गया और रेट कितना था 9% तो 9/100 लिख लिया और n जगह तो 1 है तो कोई बात नहीं और टाइम कितना है 2 है टाइम, तो सभी कुछ लिख लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताइए, इसको सॉल्व करने पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसको सॉल्व किया 1.09 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर से इसको जो सॉल्व किया और शॉर्ट लिस्टेड करते हैं तो टोटल अमाउंट जो है अभी जो है कितना पे करना पड़ रहा है, 11.8 ये अमाउंट जो है इसको पे करना पड़ेगा। अगर यहीं पे हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो था 11800 था, ठीक है, तो यहाँ पे जो 810 ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बैंक को जो है पे करना पड़ रहा है, मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा और इसमें ज्यादा पैसा जो है उसको बैंक को रिटर्न करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपने डिफरेंस देख लिया दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल है सिंपल, तो यहाँ पे एनी हो आपको जो है ज्यादा अमाउंट जो है बैंक को रिटर्न करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डाल रहा है इसके लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 चीज बताया, या फॉर्मूला बताया दोनों का और किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे और कुछ सवाल के साथ, कुछ मुश्किल सवाल के साथ देखेंगे, एक एक सवाल के साथ देखेंगे क्या है नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते हैं, थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो आप लोग को तो बस आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिखिए और कॉमेंट्स बॉक्स में बताइए तो श्योर आपको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।